में आम चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी ने हरियाणा में बड़ा राजनीतिक फेरबदल किया था। इस बीच सोनीपत के सांसद के कथित न्यूड वीडियो ने राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की शक्ल हूबहू बीजेपी नेता जैसी बताई जा रही है। ये वायरल वीडियो सोनीपत के बीजेपी सांसद रमेश कौशिक का बताया जा रहा है। हाल के दिनों में कई बीजेपी नेताओं के वीडियो वायरल हुए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत का विदेशी महिला के साथ MMS वायरल हुआ था। वहीं अब हरियाणा के सोनीपत से बीजेपी के सांसद रमेश कौशिक और महिला की आपत्तिजनक अवस्था का करीब 7 मिनट 35 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में सांसद महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। सांसद के कथित न्यूड वीडियो ने राजनीति में मचाई हड़कंप। वीडियो में हुई बातचीत से साफ सुनाई दे रहा है कि महिला को नौकरी के नाम पर कमरे पर बुलाया गया, जहां सांसद उससे नाम भी पूछते सुनाई दे रहे हैं। महिला ने खुद ही ये वीडियो बनाया है। हालांकि मामले को लेकर सांसद रमेश कौशिक का कहना है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, वीडियो से उनका कोई लेन देन नहीं है। ये वीडियो असली है या एडिटेड और इसमें दिखने वाले सांसद ही है, इसकी पुष्टि लाइव हिंदुस्तान नहीं करता है। सोनीपत सांसद का आपत्तिजनक वीडियो वायरल। कमरे के भीतर तेज आवाज में चल रहे टीवी पर एक न्यूज चैनल से आवाज आ रही है, जिसमें एंकर बार बार कहती सुनाई दे रही है कि आज गांधी जयंती है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि वीडियो 2 अक्टूबर का है। इस वीडियो में सांसद और महिला के बीच करीब 30 सेकंड की बातचीत हुई। इसमें सांसद बिना कपड़ों के कमरे में खड़े हैं और उन्होंने महिला को भी निर्वस्त्र होने का इशारा किया। जब महिला ऐसा करने लगी तो सांसद ने उससे कुछ सवाल जवाब भी किए। रमेश कौशिक ने बताया राजनीतिक षड्यंत्र। इंटरनेट पर प्रसारित वीडियो को लेकर जब मीडिया ने सांसद से सवाल किया तो उन्होंने कहा उनकी छवि खराब करने के लिए यह राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो को फेक करार दिया। सांसद का कहना है कि ये वीडियो मेरे विरोधियों द्वारा बनाया गया है।